नमस्कार दोस्तों, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूँगी, बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि स्तनपान के बाद उनके स्तन में दर्द होता है। ये खुद मैंने भी महसूस किया था, मुझे भी दर्द होता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मेरी दीदी मेरे साथ में थी, उन्होंने मुझे समझाया था उसमें, तो मैंने सोचा आज इस बात को आपको भी बता दूँ। लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे का लाल बटन दबा करके आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि इस तरह की जो भी जानकारियाँ लेकर के मैं आऊँ वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्तन में दर्द क्यों होता है। वैसे सबके शरीर की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ उसे आप एक हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगी और फौरन किसी अच्छे चिकित्सक को, यानी कि जहाँ आपकी डिलीवरी हुई है उस डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करेंगी। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके मैं ये नहीं समझ सकती कि आपके स्तन की अवस्था क्या है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। उससे शायद अगर किसी को ऐसा होता हो तो जानकारी भी मिल जाएगी और थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी। देखिए, मुझे जो स्तन में दर्द होता था जब मेरा बच्चा स्तन पी लेता था और उसके छोड़ने के बाद भी, और कभी कभी स्तन जब वो पीने लगता था तभी भी बहुत दर्द होता था, बहुत यानी बहुत तेज दर्द होता था। और यहाँ तक कि जब वो स्तन को मुंह लगाता था तभी भी दर्द होता था। और कभी कभी क्या होता था कि वो नहीं पीता रहता था तो भी मेरी काख के बगल में से जो नस आती है वहाँ पर बहुत दर्द होता था। मुझे पहले यह नहीं पता था कि हमारी जो दूध की नसें होती हैं वो हमारे हाथ के नीचे से शुरू होती हैं। मुझे उसी समय पता चला जब मेरी डिलीवरी हुई, क्योंकि वहाँ की जो नसें होती थी वो दोनों तरफ की नसें, जैसे हमारी नॉर्मल नस इस उंगली की आधी से भी आधी रहती है, लेकिन जिस समय मेरी डिलीवरी हुई तो उस समय कम से कम 10 दिन के बाद में मुझे, 10 या 15 दिन हुआ होगा, उसके बाद में मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। और वहाँ की जो नसें हैं, काख के नीचे की जो नसें हैं वो उंगली के आधा यानी कि काफ़ी मोटी हो चुकी थी। मैंने बताया कि उंगली के आधे में कभी आधा रहता है नॉर्मल नस और दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई उसके 10-15 दिन या 20 दिन बाद में वहाँ की नसें जो होती हैं वो मेरी हरी हरी हो गई और ऊपर तक दिखाई देती थी। तो मैंने दीदी से पूछा कि ये क्यों है, और डॉक्टर से भी पूछा, उस समय फ़ोन करके पूछी थी क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी। तो डॉक्टर ने बताया वो दूध उतरने की वजह से होता है, और मुझे उन नसों में जैसे मिर्ची अगर हम कहीं लगा देते हैं तो कैसा लगता है, एक अजीब तरह का दर्द होता था। मैं उसको आपको बयां नहीं कर पाऊंगी कि किस तरह का दर्द होता था, लेकिन बहुत तीखा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि बहुत तीखा दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता था। तो मैंने कहा, तो फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि दूध की मात्रा तीव्र गति से आती है इसलिए तुम्हें दर्द होता है। तो जिस समय दर्द होता है, मेरे बेड के ऊपर उन्होंने एक कटोरी में तेल गरम करके रखा हुआ था और वो हमेशा आधे घंटे मेरी दीदी गरम कर देती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, दूध की मात्रा मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बहुत दर्द होने पर मैं उस तेल को लगा करके धीरे धीरे हल्का हल्का ऐसे मसाज करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हल्का हल्का इस तरह से अगर हम सहलाते हैं तो दूध निकलने में आसानी होती है और स्तन तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हो जाती है, जिससे कि दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब मेरा बच्चा दूध पीता था उस समय भी मुझे दर्द होता था। तो डॉक्टर का यही कहना था कि उस समय थोड़ा हल्का गर्म करके थोड़ा हल्का स्तन को सहन हो सके, क्योंकि स्तन की जो चमड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है हमारे शरीर के और अंग की अपेक्षा। तो डॉक्टर ने कहा था कि हल्का हल्का वहाँ पर मालिश किया करो स्तन पर, जिससे कि तुम्हारा दर्द बंद हो जाएगा। तो ये मैं करती थी और मुझे इससे आराम भी महसूस होता था। तो अगर आप में से किसी को ऐसी तकलीफ है तो आप इसे ज़रूर करके देखिए, शायद आपको भी आराम हो जाए। और अगर नहीं होता है तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि स्तनों के विषय में बहुत सी तकलीफें हो जाती हैं, तो इसके लिए लापरवाही करना ठीक नहीं होता है। और चूँकि हमारा बच्चा छोटा होता है तो उसमें लापरवाही करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई बीमारी अंदर हो या फिर कुछ तकलीफ हो जाए, इसके लिए एक बार डॉक्टर से परामर्श ले लेना ज़रूरी होता है। और अगर आपको तेल लगाने से आराम मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि दूध की मात्रा जो होती है वो निकलने लगता है नसों में दूध, या कभी कभी ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से दूध निकलने में तकलीफ होती है। तो आप यहाँ से लेकर के, यानी कि आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो नसें होती हैं पीठ की दोनों तरफ की, यहाँ से लेकर के पूरा इस तरह से, यानी कि काख के
इधर से ऐसा ऐसा आपको स्तन की तरफ ले जा करके सहलाना है, थोड़ा सा हल्का दबाव देते हुए, ताकि आपको दूध स्तन तक पहुंचने में आसानी हो जाए। तो इन नसों का दूध जब स्तन तक पहुंचेगा तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है, और जब बच्चा पी लेता है उसके बाद में भी दर्द होता है, तभी भी आप यही करिए, थोड़ा हल्का दोनों स्तनों पर मसाज करिए, धीरे धीरे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप करेंगी तो आपको जरूर राहत हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसे किया हुआ है तो मुझे इसके विषय में पता है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और औरों को भी बताइए, ताकि अगर किसी बहन को ऐसी तकलीफ है तो वो इस तकलीफ से निजात पा सके। धन्यवाद।